नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। परिया बास भवन में महाआरती संपन्न हुई, जिसमें श्रद्धालु सम्मिलित हुए। विशाल जो भंडारा यहाँ पर होता है वो आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार आज जिस तरीके से यहाँ पर महाआरती की, और आप लोगों ने देखा कि भक्तों में किस कदर का जोश था और माता रानी के प्रति कितनी आस्था थी। आज सबने महाआरती के माध्यम से माता रानी के दरबार में यही अरदास लगाई है कि जो कोविड 19 में जो व्याप्त जो भी पूरी कमियाँ हैं वो तत्काल दूर हो और इस महामारी से पूरे विश्व को
रक्षा करे, यही हम सबकी कामना है और आप सबका सहयोग हमें भी इसी तरीके से मिलता रहे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जय माता दी। और पुरुषों से ज्यादा खुशी की बात है, पुरुषों से ज्यादा हमारे यहाँ महिलाएं सक्रिय हैं, महिलाएं भाग लेती हैं। और हर वर्ष हमारे यहाँ, अभी तो कोविड के कारण भंडारा नहीं हो रहा है, भंडारा हमारे यहाँ बड़े स्तर पे होता है। आरती में हमारे यहाँ माँ कृपा वाले जागरण मंडल आए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी आरतियाँ गाई हैं और बहुत धूमधाम से हम लोगों ने वहाँ आरती करी है, माई की माई को मनाया है। और माई से ये अरदास करी है कि माँ इस देश से हमेशा के लिए कोरोना को समाप्त कर दें और सभी को सुख शांति दें। हमारी इस समिति की तरफ से हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले साल में सभी लोग बहुत ही धूमधाम से महाआरती करें, आरती करें, जागरण करें, भंडारे करें। दिनांक 14 को हमारे यहाँ कन्या भोज है, जिसमें छोटी छोटी कन्याएं कन्या भोज और सभी लोगों से हम बहुत माता रानी भरे रखे और इसी तरह से हर वर्ष दुर्गा उत्सव मनाया जाए, कोरोना से पीड़ित सभी अच्छे हो जाए और ये कोरोना चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देवी जी की आराधना नहीं कर पा रहे थे, बहुत खुशी की बात है। सभी स्वस्थ रहे, सभी मैया से।